हाय दोस्तों, मैं हूं सुभाष। हाय दोस्तों, मैं हूं सुभाष, एनएलपी ट्रेनर एंड लाइफ कोच। घर बैठे अंग्रेजी सीखो प्रोग्राम में आपका स्वागत है। यदि आपको इस वीडियो को देखकर हाय दोस्तों, मैं हूं सुभाष, एनएलपी ट्रेनर एंड लाइफ कोच। घर बैठे अंग्रेजी सीखो प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम एक कहानी कवर करेंगे। उस कहानी को देखकर आप क्या सीखते हो, आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। तो 100% रिजल्ट है दोस्तों। फिर भी यदि कोई समस्या आपको आती है अंग्रेजी सीखने में, तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कहानी क्या है। 10 विलेजर्स वेंट टू द गंगा टू टेक अ डिप इन द रिवर। रिवर मीन्स नदी, डिप मीन्स डुबकी लगाना। तो टेक अ डिप मीन्स नदी में डुबकी लगाने के लिए। 10 विलेजर्स 10 गांव वाले वेंट टू द गंगा, गंगा नदी पर गए क्या करने, नदी में डुबकी लगाने। 10 विलेजर्स वेंट टू द गंगा टू टेक अ डिप इन द रिवर। दे हेल्ड ईच अदर्स हैंड्स एज दे टुक डिप्स थ्राइस। दे हेल्ड ईच अदर्स हैंड्स, उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। एज दे टुक डिप्स थ्राइस, जब तीसरी बार उन्होंने डुबकी लगाई। वेन दे केम अप द थर्ड टाइम दे वर नॉट होल्डिंग हैंड्स। मतलब 3 बार डुबकी लगानी थी तो इस वजह से उन्होंने हाथ पकड़ रखे थे। वेन दे केम अप द थर्ड टाइम, जब वे तीसरी बार ऊपर आए, दे वर नॉट होल्डिंग हैंड्स, तो उन्होंने हाथ नहीं पकड़े हुए थे, मीन्स हाथ छूट गए थे। लेट्स मेक श्योर ऑल ऑफ अस हैव कम आउट ऑफ द रिवर सेफली, सेट वन विलेजर। एक गांव वाले ने क्या बोला, लेट्स मेक श्योर, श्योर कर लो इस बात को, ऑल ऑफ अस, कि हम सभी, हैव कम आउट ऑफ द रिवर सेफली, कि हम सभी लोग सुरक्षित ऊपर आ गए हैं। एवरीबडी स्टैंड इन लाइन आई विल काउंट। उसने क्या बोला, सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। एवरीवन स्टैंड इन लाइन, आई विल काउंट, मैं गिनूंगा। द विलेज द अदर विलेजर्स लाइक द आइडिया एंड लाइंड अप एज वन विलेजर टुक काउंट। तो गांव वालों को आइडिया पसंद आ गया, बाकी सबको, वो सब एक लाइन में खड़े हो गए और फिर एक ने गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ही स्टॉप्ड एट 9 एज द लाइन केम टू एन एंड। तो उसने 9 तक गिना क्योंकि उसने खुद को नहीं गिना। ही स्टॉप्ड एट 9, वो 9 पर रुक गया। एज द लाइन केम टू एन एंड, क्योंकि लाइन खत्म हो गई। 9, ओनली 9, स्क्रैम्ड वन ऑफ द विलेजर्स। अब एक गांव वाला स्क्रैम, स्क्रैम मतलब चीखना, चिल्लाना, चिल्लाए, अरे नो ही, सिर्फ नो। ओ नो, वन ऑफ अस हैज ड्राउंड इन द रिवर, क्राइड आउट अनादर। तो दूसरा चिल्लाया, ओ नो, वन ऑफ अस, हम में से एक, वन ऑफ अस हैज ड्राउंड, ड्राउंड मीन्स डूबना, हैज ड्राउंड, डूब गया है, इन द रिवर, हम में से एक डूब गया है। यू मूव असाइड, लेट मी टेक द काउंट। अब सेट द सेकंड विलेजर, मतलब यू मूव असाइड, लेट मी टेक द काउंट। एवरीबडी स्टैंड इन ए लाइन, सेट द सेकंड विलेजर। दूसरे गांव वाले ने बोला कि तुम साइड में हटो, लेट मी टेक द काउंट, मुझे गिनती करने दो। एवरीबडी स्टैंड इन ए लाइन, सब लाइन में खड़े हो जाओ। ही बिगेन काउंटिंग, उसने काउंटिंग शुरू की। ही टू कुड काउंट ओनली 9 पीपल, वो भी सिर्फ 9 लोगों को ही गिन सका। ऑल द विलेजर्स स्टार्टेड क्राइंग फॉर देयर लॉस्ट फ्रेंड, सभी जो विलेजर्स थे वो रोने लग गए अपने गुमे हुए दोस्त के लिए। अ केप सेलर वाज वॉचिंग द एंटायर ड्रामा, एक केप सेलर, एक टोपी बेचने वाला जो था, वो ये पूरा ड्रामा देख रहा था। एंटायर मतलब कंप्लीट, पूरा। ही नोटिस्ड दैट द मैन हु डिड द काउंटिंग हैड लेफ्ट हिमसेल्फ आउट ऑफ द काउंट। ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया क्या, दैट द मैन, जो व्यक्ति, हु डिड द काउंटिंग, जो काउंटिंग कर रहा था व्यक्ति, जिसने काउंटिंग की थी, हैड लेफ्ट हिमसेल्फ आउट ऑफ द काउंट, वो गिनती में खुद को नहीं गिन रहा था। ही ऑफर टू डू द काउंटिंग, उसने ऑफर किया कि चलो काउंटिंग मैं कर देता हूँ। बट द विलेजर्स रिफ्यूज टू टेक हिज हेल्प, लेकिन विलेजर्स ने उसकी मदद लेने से इनकार कर दिया। वी आर स्मार्ट इनफ टू काउंट, यू आर अनएजुकेटेड, वी डोंट ट्रस्ट यूर एबिलिटी टू काउंट, दे सेड। वे क्या बोले, वी आर स्मार्ट इनफ टू काउंट, हमको गिनती आती है, यू आर अनएजुकेटेड, तुम
तुम अनएजुकेटेड हो, वी डोंट ट्रस्ट योर एबिलिटी टू काउंट, हम तुम्हारी गिनने की क्षमता पे विश्वास नहीं कर सकते, मतलब योग्यता तुम में नहीं है। ऑल राइट आई लीव द काउंटिंग टू यू बट डू वन थिंग, अब उसने क्या बोला केप से लगने, ओके मतलब ऑल राइट ठीक है, आई लीव द काउंटिंग टू यू, मैं जो काउंटिंग है वो तुम पे छोड़ देता हूँ, बट डू वन थिंग लेकिन एक काम करो, हियर पुट ऑन दीज कैप्स फर्स्ट, लो हियर मीन्स अब वो बोल रहा है ऐसे, हियर पुट ऑन दीज कैप्स फर्स्ट, ये टोपी पहन लो पहले, पुट ऑन मतलब पहनना, पुट ऑन दीज कैप्स फर्स्ट, इट वॉज गेटिंग हॉट, गर्मी हो गई है इसलिए टोपी पहन लो, इट वॉज गेटिंग हॉट, सो ऑल द विलेजर्स पुट ऑन द कैप्स गिवन टू देम, तो सारे गांव वालों ने क्या किया, विलेजर्स ने टोपी पहन ली गिवन जो उनको दी गई थी, द केप सेलर आस्क देम टू रिमूव देयर कैप्स एंड कीप देम ऑन द ग्राउंड, अब केप सेलर ने क्या बोला, द केप सेलर आस्क देम उनसे कहा देम टू रिमूव देयर कैप्स अपनी टोपी हटाना एंड कीप देम ऑन द ग्राउंड, वो टोपी कहाँ पे रखना है, जमीन पे रखना, द विलेजर्स प्लेस्ड द केप्स ऑन द ग्राउंड, अब विलेजर्स ने अपनी टोपी उतारी और ग्राउंड पर रखी, नाउ काउंट द केप्स यू हैड वोर्न सेड द केप सेलर, अब केप सेलर ने बोला कि अच्छा अब केप की गिनती करो, नाउ काउंट द केप्स यू हैड वोर्न जो तुमने टोपी पहनी थी उसकी गिनती करो, ऑल ऑफ देम काउंटेड टुगेदर सभी ने एक साथ गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वी वोर दीज कैप्स, देर आर 10 कैप्स, दिस मीन्स वी आर 10 द फर्स्ट विलेजर सेड, अब एक फर्स्ट विलेजर ने क्या बोला, वी वोर दीज कैप्स हमने टोपी पहनी थी, देर आर 10 कैप्स 10 टोपियां हैं, दिस मीन्स वी आर 10 तो इस वजह से हम 10 हैं, ऑल नोडेड देयर हेड्स इन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब सहमति में, सभी ने अपना सर सहमति में हाँ में हिलाया, नोडेड मीन्स सर हिलाना, लेट्स बाय दीज मैजिक कैप्स सेड अनादर विलेजर, अब दूसरे गांव वाले ने क्या बोला, लेट्स बाय दीज मैजिक कैप्स, तो चलो ये जो मैजिक कैप है जादुई टोपी है इसे खरीद लेते हैं, द केप सेलर चार्ज देम 1 रुपी फॉर ईच केप, केप सेलर ने चार्ज किया एक टोपी का 1 रुपया, एंड वॉकड अवे हैप्पीली वो खुशी खुशी चले गया, विथ 10 coins जिंगलिंग इन हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में जिंगलिंग करता हुआ, जिंगलिंग को होता है जैसे जिंगल बेल होती है ना घंटी बजने की, या कोई मेटल टकराए उसकी आवाज, तो 10 coin उसको मिल गए 10 रुपये, तो जेब में भर कर गया तो बचते हुए खुशी खुशी चले गया। दोस्तों यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें क्या आपको अच्छा लगा और क्या और इम्प्रूव किया जा सकता है जिससे कि आप बेहतर सीख सकें, यदि ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए आपको तो विजिट माय वेबसाइट www.ispsc.com पे, यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, 100% रिजल्ट है दोस्तों इस कोर्स का, तो घर बैठे भी आप अंग्रेजी सीख सकते हो, यदि फिर भी कोई समस्या आए तो मुझसे संपर्क तुरंत करें, बाय।